पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राणा के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार गुल्लानी थाना कोतवाली के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब परिवहन पर कार्रवाई करते हुए 91 बोतलों में भरी हुई कुल 65 लीटर महंगी अंग्रेजी शराब के मद 3 लाख रुपए, शराब परिवहन में प्रयुक्त वाहन टाटा नेक्सॉन कार क्रमांक DL3CCX8713 तथा किया सेल्टोस क्रमांक MP28ZD0202 जब्त किया गया। आरोपी गण पुनीत चाचरा, पायल रावल तथा ड्राइवर दिलीप कुमार को गिरफ्तार किया। 704 व 2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उप निरीक्षक शिखा पाठक के नेतृत्व में भ्रमण कर रही पुलिस टीम को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि थुनिया भाग के आगे एक सफेद रंग की टाटा नेक्सॉन कार क्रमांक DL3CCX8713 में 3 व्यक्ति बैठे हैं, जिस पर भारी मात्रा में दिल्ली से लाई गई महंगी शराब भरी हुई है। सूचना की तस्दीक पर रेड कार्यवाही करते हुए थुनियाभाट के खेरवाड़ा रोड पर टाटा नेक्सॉन कार क्रमांक DL3CCX8713 को घेराबंदी कर पकड़ा गया। जुगाड़ी का चालक अपना नाम पुनीत चाचरा बताया है तथा बगल की सीट पर अन्य व्यक्ति अपना नाम दिलीप कुमार बताया है तथा बीच की सीट पर महिला बैठी मिली जिसने अपना नाम पायल रावल बताया। गाड़ी की डिक्की और सीट से अलग अलग ब्रांड की महंगी अंग्रेजी शराब की 15 कार्टून में कुल 91 बोतल में भरी 65 लीटर शराब बरामद की गई तथा थोड़ी दूर पर खड़ी आरोपी पुनीत चाचरा की एक अन्य किया सेल्टोस कार क्रमांक MP28ZD0202 जब्त की गई। आरोपी गनों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है तथा शराब दिल्ली में कहां से प्राप्त की गई पूछताछ की जा रही है। अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में छिंदवाड़ा पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली है। जब पुलिस की टीम को मुखबिर सूचना के आधार पर 2 कारों को पकड़ा है, जिसमें 3 आरोपी, एक पुनीत चड्डा, उसकी बहन और एक ड्राइवर है, इनको पकड़ा गया। और इसमें जो कार से कुल 91 बोतल जो विदेशी शराब जो 3 लाख से अधिक कीमती है और 65 लीटर है, इसको जब्त किया गया है। 3 आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करके इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है, लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी प्रकार कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध मादक द्रव्यों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार में एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जब एक सटीक सूचना पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करने पर एक I-10 कार को मैं आरोपी, जो कि मूलतः छत्तीसगढ़ निवासी है, बबला राउत को पकड़ा है। इसके पास से गाड़ी में 21 किलो से अधिक गांजा जब्त हुआ है। NDPS एक्ट अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस आरोपी का पूर्व का भी एक NDPS का अपराध है और एक जुए का भी अपराध है। उक्त आरोपी से बारीकी से पूछताछ की जा रही है। दोनों प्रकरणों में ये सामग्री कहां जा रही थी, कौन इसमें लिप्त है, उन सबके विरुद्ध विवेचना में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। NBC न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।